नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और टैलेंटेड व्यू के इस अंक के साथ हाजिर हूं मैं राहुल तिवारी। आज बहुत दिनों के बाद विधानसभा में, और विधानसभा भी बिहार राज्य की, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलते हुए सुना। ये वही नीतीश कुमार हैं जो लगभग एक महीने से मौन लिए हुए खड़े हैं, बैठे हैं और अपने सूबे में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। बिहार में इन दिनों बच्चे मुद के जो गाल है उसमें समा रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 154 बच्चों की मौत हो गई है अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES के कारण। सामान्य भाषा में लोग इसे चमकी बुखार के नाम से जान रहे हैं। 154 बच्चों की जो मौत हुई है यह आंकड़ा 28 जून तक का है। 3 दिन और बीत गए हैं यानी कि मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा ही होगा। अब सरकार को लगा कि आखिरकार हम तो सूबे की सरकार है, जिम्मेदारी हमारी है, लिहाजा अब जनता को जवाब भी देना ही होगा। आज मुख्यमंत्री आए, बोले और इस मामले पर कड़ा दुख जताया, गहरा दुख व्यक्त किया। नीतीश कुमार ने क्या कहा पहले हम ये बात करते हैं, फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटनाक्रम पर सिर्फ दुख व्यक्त करना ही पर्याप्त नहीं है, ये काफी गंभीर मुद्दा है। सरकार ने बच्चों के बचाव की पूरी कोशिश की है, हमने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जिसके कारणों का पता लगा रही है। ये जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान था। आज चमकी बुखार को लेकर बिहार की विधानसभा में चर्चा हुई। सबसे पहले वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने आंकड़े रखे। उन्होंने बताया कि 28 जून तक चमकी बुखार से पीड़ित करीब 720 बच्चे भर्ती हुए थे, इसमें से 586 बच्चे स्वस्थ हो गए हैं जबकि 154 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद नीतीश कुमार बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी जो बीते कई दिनों से इस चीज को लेकर साधना में थे, और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास करने में जुटी हुई है, हमने विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो यह पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर यह बीमारी होती क्यों है। हम इस बीमारी को लेकर विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं और अभी तक जितने विशेषज्ञों से बातचीत हुई है सभी की राय इस बीमारी को लेकर अलग अलग रही है। जो कुछ भी पिछले दिनों हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटनाएं हुई हैं इसके लिए हम सिर्फ शोक प्रकट नहीं कर सकते, यह बहुत ही गंभीर मामला है। और जैसा कि अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विस्तार से अब तक इसके बारे में क्या जानकारी रही है, विशेषज्ञों की टीम गठित की गई, उसके बाद अवेयरनेस लाने के लिए भी प्रयास किया गया है, इन सब बातों का इन्होंने जिक्र किया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद जो इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है बच्चों की, तो इसके बाद तो इसके स्तर पर हम लोगों ने बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वहां आए थे, ये सब लोग गए और जिसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके बारे में हम लोगों ने अपने स्तर पर भी बैठक की और जो कुछ भी इसके बारे में मुझे जो इसका पहले का एहसास और अनुभव था उसके आधार पर हमने चर्चा की। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि AES की रिपोर्ट अमेरिका भेजकर इस मामले की जानकारी ली गई है, 2014 से ही इसके कारणों का पता लगाने के लिए रिसर्च जारी है, पर अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि क्यों ये बीमारी होती है और इसके पीछे के जो जटिल जो बड़े कारण हैं वो क्या हैं। सब लोगों की राय अलग अलग है, कुछ लोगों का मानना है कि खाली पेट लीची खाने की वजह से यह बीमारी बच्चों में हुई है। CM ने कहा कि मैंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की थी, सबसे पहले उनसे जब बात की तो इस नतीजे पर हम पहुंचे कि ज्यादातर बच्चे जो इस तरह की बीमारी का शिकार हुए हैं वे गरीब परिवार से है, उनमें बच्चियों की संख्या अधिक है, ऐसे में मुझे लगता है कि एक सामाजिक आर्थिक सर्वे जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में विकास की तमाम योजनाएं चला रहे हैं तो फिर वे योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, और
ये जो बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, इसकी वजह आखिरकार क्या है। बहुत एक अच्छा भाषण देने की यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने कोशिश की और उनके पक्ष के जो लोग थे उन्होंने इसका समर्थन भी किया कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नीतीश कुमार जी आज सदन में इस समस्या पर बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सरकार पर ही सवाल उठा दिए। नीतीश कुमार इस राज्य के चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। पहला कार्यकाल चलिए उनका छोटा रहा, लेकिन तीन कार्यकाल ऐसे थे जिनमें उन्हें पर्याप्त समय मिला अपने राज्य के लिए, अपने सूबे के लिए कुछ करने के लिए। आमतौर पर लोग बहुत कम समय के लिए फिर बनकर कुछ अच्छा कर जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यहाँ अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि उनके राज्य में गरीबी और अमीरी के बीच असमानता है जिसके लिए अब सर्वे कराए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है जो वे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। लोग गरीब हैं, भूखे पेट लीची खाई बच्चों ने, जो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि राज्य में कब कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार रही। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने सन 2000 में, 3 मार्च सन 2000, 10 मार्च 2000 यानी 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे और बहुमत इनकी सरकार के पास नहीं था इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रयास करना नहीं छोड़ा, दूसरी बार फिर 24 नवंबर 2005 को ये मुख्यमंत्री बने और 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, पूरे 5 सालों तक चली। तब एक अच्छे और एक युवा नेतृत्व के रूप में भी इन्हें देखा जाता था। ये बिहार के लिए उम्मीद की किरण बनकर इस वर्ष उभरे थे। तीसरी बार सरकार बनी 26 नवंबर 2010 में और ये 17 मई 2014 तक चली। ये सरकार भी बीजेपी के साथ बनी थी। दूसरी बार नीतीश कुमार का कार्यकाल यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति हुई, रिपीट हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का और जनता दल यूनाइटेड का, जो नीतीश कुमार की पार्टी, उसका गठबंधन टूट गया। फिर जतिन राम मांझी जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया राज्य में। फिर बाद में चुनाव हुए 22 फरवरी 2015 से वापस ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनकी सरकार थी, फिर राजद का पल्ला छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके साथ आए और अब मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए अपनी सरकार चला रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसा राज्य जहाँ 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है, सूबे का प्रशासन आपकी बात मानता है, सूबे के गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे से आप परिचित हैं, ऐसे में क्यों ये स्थिति पैदा हुई कि आपके राज्य में लोग गरीब और अमीर के बीच आज भी अंतर को महसूस करते हैं? क्यों आपके राज्य में गरीब का बच्चा चमकी बुखार से मर रहा है? क्यों बच्चे लीची खाने को मजबूर हुए? यदि लीची खाने की वजह से बीमारी हुई है तो? ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर सरकार को, खासकर बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है, उसे विचार करना चाहिए। चौथा, अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बहुत खास रिश्ते बनाए हुए हैं, केंद्र में सरकार भी आपकी है जिसका गठबंधन आपकी पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से जब राज्य को मदद की जरूरत थी तब केंद्र की भाजपा सरकार कहाँ थी और केंद्र की भाजपा सरकार से आप मदद क्यों नहीं ले पाए? केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी जब बिहार राज्य का दौरा करने आते हैं तो वे सिर्फ वहाँ की जो राजधानी है वहाँ का अस्पताल देखकर लौट जाते हैं। 2014 में जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसी की पर्ची एक बार फिर से निकालते हैं और सारी घोषणाएं रिपीट कर देते हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री लगातार मौतों पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन आप चमकी बुखार से लगातार होती मौतों के बाद लगभग 18 से 20 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आप दौरा करने जाते हैं, जब आप दौरा करने जाते हैं तब आप मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं बल्कि मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हैं, कुछ कहे बिना निकल जाते हैं वहां से। अब सदन में आप घड़ियालियां सुबह रहे, सवाल आपसे पूछते हैं कि जिसकी सरकार सूबे में रही हो, जिसके पास सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव रहा हो, जो सरकार अपने अधिकारियों से भी, अपने सहयोगियों से भी लगातार मजबूत है, वह सरकार अपने राज्य में एक स्थिर वातावरण पैदा क्यों नहीं कर पा रही है? और यदि कोई मुख्यमंत्री ये हालात नहीं बना पा रहे हैं तो क्या फिर उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार है? नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।